Hello, my dear students. I welcome you to the YouTube channel of the Maths Trainer. My name is Navjot Singh. इस वीडियो में हम JEE Main 2021 जो मार्च में हुआ है यानी कि आज 16th मार्च 2021 को उसके मैथमेटिक्स पोर्शन के सॉल्यूशन देखने वाले हैं. पेपर जो था मॉर्निंग शिफ्ट का वो काफी मॉडरेट लेवल का था. स्टार्टिंग में मैं 11th क्लास के क्वेश्चन लेके आऊंगा इस वीडियो में 1 टू 10, 11 से 20 फिर 12th क्लास के, और जो लास्ट सेक्शन बचेगा उसमें हम इंटीजर टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए. इस पेपर में एक डिफरेंट बात ये थी कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं उन्हीं क्वेश्चन से जो ग्राफ और नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड हैं. विद क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच सेज दैट फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3 पार एक्स माइनस 4 पार वाई इज इक्वल टू 77, और सेकंड इक्वेशन है 3 पार एक्स बाय 2 माइनस 2 पार वाई इक्वल टू 7. तो इसमें आपको ये चीज ध्यान से देखनी है कि 3 पार एक्स है और 4 पार वाई है. सेकंड इक्वेशन में 3 पार एक्स बाय 2 है यानी कि इसका रूट है एक तरीके से, और 2 पावर y भी 4 पावर y का रूट है. तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 3 पावर x बाय 2 को a और 2 पावर y को b, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 77. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 77 यानी कि a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 77. सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, a माइनस बी इक्वल टू 7. अगर इसको आप इसमें पुट कर देते हो तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से a आ जाएगा आपके पास 11 प्लस 7 18 बाय 2 9, और b आ जाएगा आपके पास 2. तो अगर तो आप a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर लेते हो, यानी कि अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन बना ली कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, तब तो ये बहुत ही आसान है. अब a की वैल्यू 9 है, मतलब 3 पावर x बाय 2 इज इक्वल टू 9, यानी कि x by 2 is equal to 2, यानी कि x is equal to 4. 2 power y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 1. तो x plus y, यानी कि sum of values पूछा था, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. That means option number 2 is the correct choice. ठीक है, तो second option सही हो जाएगा हमारा. तो ये moderate level का question था. Next करते हैं question number 2. Find the number of solutions of 81 power sin square x plus 81 power cos square x equal to 30, और इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई क्लोज्ड. तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिखेंगे 81 पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो 81 अपॉन 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स ऐसे आ जाएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से इक्वल टू 30. अब 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को एक्स मान लो या टी मान लो, तो 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने मान लिया टी, तो ये जो आ गया टी प्लस 81 अपॉन टी इज इक्वल टू 30. यहाँ से आएगा t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इज इक्वल टू 0, यानी कि t माइनस 3 इंटू टी माइनस 27 इज इक्वल टू 0. यानी कि या तो t की वैल्यू 3 आएगी या फिर t की वैल्यू 27 आएगी. t की वैल्यू 3 मतलब 81 की पार साइन स्क्वायर x की वैल्यू 3, यानी कि साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1/4, और यहां पे साइन स्क्वायर x की वैल्यू 3/4. आप लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो, यह वैसे ही आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि 81 की पर 1/4 3 होता है, और इसको क्यूब कर देंगे तो 27 आएगा. तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, और साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2. तो काफी अच्छी अच्छी वैल्यूज आ गई हमारे पास. हमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं. साइन एक्स इक्वल टू हाफ के 2 सॉल्यूशन, साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ के 2 सॉल्यूशन, तो इसके 4 सॉल्यूशन, प्लस इसके कितने सॉल्यूशंस, साइन एक्स इक्वल टू प्लस रूट 3/2 के भी 2 सॉल्यूशन और माइनस रूट 3/2 के भी 2 सॉल्यूशन, इक्वल टू 8 सॉल्यूशंस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिर से नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है थर्ड क्वेश्चन. द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड एक्स माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6. तो ये तीन पार्ट में ब्रेक होगा, एक मॉड 0 पे ओपन हो रहा है पहले वाला, और दूसरा मॉड माइनस 4 पे ब्रेक हो रहा है. तो यहां पे दोनों पॉजिटिव, यहां पे जीरो वाला नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहां पे दोनों नेगेटिव होंगे. तो जब दोनों मॉड पॉजिटिव है तब देखते हैं आंसर क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 6. तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यह आ जाएगा रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 2a. अब इसमें से दो वैल्यूज आ रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाली कंसिडर करनी है, तो वन सॉल्यूशन हो जाएगा. अब बीच वाले इंटरवल में देखते हैं, ये तो था 0 से इंफिनिटी में, अब देखते हैं माइनस 4 टू 0, माइनस 4 टू 0.
माइनस फोर टू जीरो में ये वाला मॉड नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस सिक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एटीन इक्वल टू जीरो। इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है, इसका मतलब नो सोल्यूशन। ओके, लास्ट केस जिसमें दोनों मॉड नेगेटिव खुलेंगे वो देख लेते हैं। माइनस एक्स माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्स, तो यहां से देखिए क्या आएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू माइनस वन और x इक्वल टू माइनस सिक्स, माइनस वन तो इस इंटरवल में लाई नहीं करता, ये लाई करता है, तो वन सॉल्यूशन। टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए, एक आंसर यहां से एक आंसर यहां से, टोटल हो गए दो सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, इफ log sin x टू द बेस 10 प्लस log cos x टू द बेस 10 इक्वल टू माइनस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ दिस इक्वेशन इज गिवन। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से आ जाएगा log mn की प्रॉपर्टी लग जाएगी, sin x into cos x to the base 10 is equal to minus 1, तो sin x into cos x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10 की पावर माइनस 1, तो 1 by 10। तो इस 2 को इस साइड ले आते हैं, 2 log to the base 10 into sin x plus cos x is equal to log n to the base 10 minus 1, तो ये 2 पावर में चला जाएगा, पावर में जाएगा तो अंदर बनेगा sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x, तो log to the base 10 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, इस साइड हम बना लेते हैं लॉग एन अपॉन टेन टू द बेस 10। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन यूज कर लिया, ये 1 है, साइन एक्स कॉस एक्स 1 बाय 10 है, तो ये बन जाएगा लॉग टू द बेस 10, 1 प्लस 2 बाय 10 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 एन बाय 10, तो ये कैंसिल एंटी लॉग लेकर, तो 12 बाय 10 इज इक्वल टू एन बाय 10, n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 12। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। ओके, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ n इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 की पावर 1 बाय 4 प्लस 5 की पावर 1 बाय 8 की पावर 60, देन n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे रैशनल टर्म्स, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से माइनस करेंगे, तब आएगी n की वैल्यू। तो 3 पावर 1 बाय 4 प्लस 5 पावर 1 बाय 8 की पावर 60, इसका जनरल टर्म होगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 60 सी आर 3 की पावर 1 बाय 4 की पावर 60 माइनस आर इंटू 5 की पावर 1 बाय 8 की पावर आर, तो यह आ जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू 60 सी आर में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 3 की पावर 60 बाय 4 होता है 15 अपॉन 3 की पावर आर बाय 4 इंटू 5 की पावर आर बाय 8, तो ये कह रहा है आर शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, ये कह रहा है आर शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, तो ऑब्वियसली इसकी बात मानी जाएगी। तो आर की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या पॉसिबल हैं, 0, 8, 16, 24 अप टू लास्ट टर्म आएगी 56 तक, तो ये कितनी वैल्यूज हो गई, 0, 1, 2, 3 अप टू 7, तो ये कितनी वैल्यूज हो गई, 8 वैल्यूज हो गई। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी है, रैशनल टर्म्स इज इक्वल टू 8, तो इरेशनल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, इरेशनल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, हमारे पास टोटल टर्म्स है 61, n प्लस 1 होती है टोटल टर्म्स, 61 माइनस 8 हो जाएगा 53। अब n की वैल्यू अगर 53 है तो हमें बताना है कि n माइनस 1 यानी कि 52 किससे डिवाइड होता है इन ऑप्शंस में से, 4 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 17 से नहीं होता, 26 से होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। ओके, Let's move on to question number 6. Question number 6 फिर से number of solutions पे based है, उन्होंने number of values पूछा है, root of x plus 14 minus 8 root of x minus 2 plus root of x plus 23 minus 10 root of x minus 2 equal to 3. अगर आपने equation पहले देखा हुआ तो ये बहुत easily हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं root of x minus 2 को t डाल देता हूँ, किसको, root of x minus 2 को मैंने डाल दिया t, तो x minus 2 हो गया t square, तो x हो गया t square plus 2. तो यहां से देखिए फर्स्ट रूट क्या बन जाएगा, x की वैल्यू है t स्क्वायर प्लस 2, तो t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 14 माइनस 8t प्लस रूट ऑफ, यहां से क्या बन गया, x प्लस 23 बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 25, यानी कि t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 23 ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 10t। अब देखिए ये फटाफट से होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुके हैं,
root of t square minus 8t plus 16 plus root of t square minus 10t plus 25 is equal to 3. अब देखिए ये t minus 4 का whole square, तो root of t minus 4 का whole square plus root of t minus 5 का whole square is equal to 3, यानी कि mod of t minus 4 plus mod of t minus 5 is equal to 3. तो ये जो mod of t minus 4 plus mod of t minus 5 है, इसका tub shaped graph बनता है. 4 और 5 का जो difference है वो इसकी minimum value है, यानी कि इसकी minimum value 1 है. तो equal to 3 में इसके दो solution होंगे, two solutions. एक तो होगा t equal to 6 और दूसरा होगा t equal to 3. तो अब देखिए, अगर t 6 है तो x की value कितनी आ जाएगी यहां से, 36 और 2 38, और अगर t 3 है तो x की value कितनी आ जाएगी यहां से, 9 और 2 11. यानी कि कितने सॉल्यूशन हो गए फिर से, दो सॉल्यूशन. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. If p and q आर टू स्टेटमेंट्स, देन व्हिच ऑफ द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन इज अ टॉटोलॉजी. तो नो डाउट आपको ट्रुथ टेबल से करना है क्वेश्चन. p और q दो स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन से कुछ तो हम पता लगा ही सकते हैं. देखो एक बार ध्यान से, जैसे कि p और q, ठीक है, तो होता है ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स. ओके, अब देखो ध्यान से, पी एंड क्यू और पी और क्यू कभी टॉटोलॉजी नहीं हो सकता, क्योंकि पी एंड क्यू फॉल्स होता है जब ये दोनों फॉल्स होते हैं, ये भी फॉल्स होता है जब ये दोनों फॉल्स होते हैं. तो अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स है. ओके, अब पी और क्यू इंप्लाइज इफ पी देन क्यू, तो पहले पी और क्यू निकाल ही लेते हैं एक बार. तो ट्रू 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 फॉल्स, फिर पी एंड क्यू भी निकाल लेते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और इफ पी देन क्यू भी निकाल लेते हैं. अब इफ पी देन क्यू जो होगा वो क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये भी एक ही केस में फॉल्स होता है. अब देखो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन बहुत इजीली चेक हो जाएंगे, पी और क्यू इंप्लाइज दिस. तो सेकेंड ऑप्शन यहां पे मैं चेक कर रहा हूं, पी और क्यू इफ दिस देन दिस, तो ट्रू ट्रू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, आगे करने की जरूरत ही नहीं है. फिर पी एंड क्यू इंप्लाइज पी इंप्लाइज क्यू, सो थर्ड ऑप्शन यहां पे चेक कर रहा हूं मैं, पी एंड क्यू ट्रू ट्रू तो ट्रू. अब ध्यान से देखिए बाकी तीनों केस में ये फॉल्स है, अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स तो ये हमेशा ट्रू होता है. तो टी 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 टोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल व्हिच इज अ टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन एज. तो अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो काफी सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए. इन्होंने बोला है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो इसके मिड पॉइंट को पी एच कॉमा के मान लेते हैं. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होती है, टी इज इक्वल टू एस वन. टी क्या होता है, एक्स एच प्लस वाई के माइनस 25. एस वन क्या होता है, इसमें एच कॉमा के पुट कर दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 25. तो यह आ जाएगा एक्स एच प्लस वाई के इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ये इस हाइपरबोला की टेंजेंट है, तो इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं, y k is equal to minus x h plus h square plus k square. तो y आ गया minus h upon k, ये हो गया स्लोप, into x plus ये हो गया y intercept, h square plus k square upon k. तो ये है m, ये है c. condition of tangency, c square equal to a square m square minus b square. तो c square मतलब h square plus k square upon k का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 9, एम स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर बाय के स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 16. तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एच स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. तो ये कैंसिल, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर. ऑप्शन बहुत ही ध्यान से मार्क करेंगे इसका, पावर 4 वाले दोनों ऑप्शन चले गए, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एक 3x3 मैट्रिक्स है जो कि बनाया जाता है 0 1 2 3 के सेट से, और हमें कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a * a ट्रांसपोज 9 है, फाइंड नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस. अब ये क्वेश्चन 11th क्लास के सिलेबस का कैसे है, फरवरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ था, वहां पे सम 7 पूछा गया था, उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन केस बनाने थे. तो कहने को ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये पीएनसी का क्वेश्चन है.
अब यहां पे अगर एक 3x3 मैट्रिक्स है ए, तो मैं इसको ऐसा मानता हूं ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस सब का सम कितना चाहिए हमें, 9 चाहिए। तो इसमें केस बना लेते हैं। फर्स्ट केस, सारे के सारे 1 ले लो, तो ऑल वंस। अब एक को 2 कर देते हैं, अगर मैंने लेटर से ए को 2 कर दिया 1 2s, एंड अब ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। अब 1 1 1 1 1, 5 लोगों को 1 लेना पड़ेगा, 5 1s, एंड बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, 0s, तो 3 0s। थर्ड केस, दो नंबर्स को 2 ले लो, 2 2s, एंड क्या हो गया, 4 plus 4 8। अब एक ही 1 और ले सकते हो, 1 1s, एंड बाकी कितने बचे, 6 0s। फोर्थ केस, किसी भी एक नंबर को अगर 3 ले लेंगे, 1 3s, तो लेट अस से ए को 3 ले लिया, तो ये हो जाएगा 9, बाकी सबको 0, एंड 8 0s। ओके, तो ये अब देखते हैं इसकी काउंटिंग क्या होगी। ऑल वंस होगा तो 9 factorial upon 9 factorial, ये होगा तो आएगा 1 2 है, 5 1s है और 3 0s है, 9 factorial upon 5 factorial 3 factorial, इसका क्या आंसर आएगा, 9 factorial upon 2 factorial and 6 factorial, और लास्ट वाला का क्या आंसर आएगा, 9 factorial by 8 factorial। ओके, तो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस का आंसर आएगा 1 प्लस, सेकंड केस का आंसर आएगा 9 factorial upon 5 factorial into 3 factorial, तो ये हो जाएगा 9 into 8 into 7 into 6 upon 6 प्लस, थर्ड केस का आंसर आएगा 9 into 8 into 7 upon 2, 9 into 8 into 7 upon 2, और लास्ट केस का आंसर आएगा हमारे पास 9, तो ये हो गया 1 प्लस, ये हो जाएगा 9 into 8 into 7, 504 प्लस ये 504 by 2, तो 252 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 514 प्लस 252, तो 766, ये आंसर हो गया हमारा। इतने वे से ये मैट्रिक्स बन सकता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a प्लस 2 b प्लस 2 c प्लस 2 आर 3 ऑब्जर्वेशंस सच दैट b इक्वल टू a प्लस c, a प्लस 2 b प्लस 2 हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू d, तो इनमें से करेक्ट रिलेशन हमें चूज करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, d स्क्वायर की वैल्यू होगी सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, यानी कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 3 माइनस देयर मीन का स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस c प्लस 6 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into, इसको ओपन करो तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4b प्लस 4c प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आ जाएगा 12 माइनस, अब देखो a प्लस b प्लस c प्लस 6 के होल स्क्वायर को ओपन करना है, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास b इक्वल टू a प्लस c है, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 6 का होल स्क्वायर, 2b प्लस 6 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर a प्लस c b है तो 4a प्लस 4c 4b होगा, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस, यहां पे 3 अंदर ही रखते हैं, 4b प्लस 4b 8b प्लस 3 इंटू 12 36 माइनस 4b स्क्वायर माइनस 36 माइनस 6 4s are 24b, तो सारे टर्म तो कैंसिल ही हो गए यहां पे, 9d स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 9d स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको रीएडजस्ट कर लो, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, b स्क्वायर को इधर ले आओ, 9d स्क्वायर को वहां ले जाओ, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो ये थे आपके लिए 11th क्लास के क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग यू द सॉल्यूशंस ऑफ 12th क्लास क्वेश्चंस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।